चौबदार जी आलमपना तखलिया क्या हुक्म है आलमपना अन्नी दे बच्चे दरबार खाली करो मेरे को गल करनी है जाओ जी आलमपना आपकी सल्तनत के हालात कितने दिगर हुए क्या आपने पिछली दफा से अभी तक कपड़े ही तब्दील नहीं किए हाउ सैड विच मैं 18 सूट चेंज किए ने तनु हर बार आके दिखावा आवे के चेंज कर ले तो आप और कनीज ने आज फिर ट्विनिंग की हुई है कनीज जी बादशाह सलामत इधर आके बैठो और ट्विनिंग करो बादशाह सलामत कभी कनीजों में घिरे हुए होते हैं कभी मलकाओं में घिरे हुए होते हैं या फिर कभी एंटरटेन हो रहे होते हैं मैंने नहीं देखा कि आप सल्तनत के बारे में कोई सलाहो मशवरा करें उनमें 5-1 मिनट पूंडी कर लूंगा जास्ते आप तो हर वक्त ही पूंडी करते रहते हैं सुरैया क्या तुम ये नहीं चाहती आज जिस जगह पे तुम बैठी हो सारी जिंदगी यहाँ बैठो तुम सारी जिंदगी तो आपने इस कुर्सी पे नहीं बैठना उसे कैसे बिठा सकते मैनू इश्क करन देना है कि नहीं करन देना तेरी मेहरबानी फरिया जी बादशाह सलामत आप हमें ओ? बहुत पसंद हैं आज हमने अपने दिल की बात करनी थी आपके साथ जे एंकर 2 मिनट दे देवे ये हमारी तरफ से फरिया हम जानते हैं कि तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है आपकी सल्तनत में जो रहेगा उसके हालात ओ यार खुदा दा नाम मान यार अल्लाह जान दे इन्हें प्यार ना गल करने मूड बना आपको कहता पता पता पका था सुरैया जी बादशाह सलामत मुझे बताया कि सारे घर का खर्चा तुम्हारे ऊपर है और बादशाह सलामत ये कहेंगे आपसे कि आपके घर का खर्चा ये उठाएंगे हालांकि इनके पास अपनी सल्तनत चलाने के लिए कुछ नहीं है कोई नहीं जिनिया लाना लिखी है ना बोली जाओ मैं गौर ही नहीं करना इट्स ऑल कमिंग नेचुरली बादशाह सलामत सुरैया जी बादशाह सलामत सारे घर का खर्चा आप पे है जी बादशाह सलामत आप ये समझ लें कि आज के बाद आपके दुख दर्द खत्म हो चुके हैं यहाँ तशरीफ रखे सच्ची आज के बाद आधी सल्तनत मैंने सुरैया के नाम कर दी है तो वो 5,000 तो आपका सर फोड़ देंगी बादशाह सलामत आप सड़ो बादशाह सलामत जी हाँ जी सुरैया तू इधर क्यों बैठी है तेरे प्यो दा तख्त है बोल रे पुछियो दरबार ये लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई सलामत इत्थे अन्नी दे बच्चे सारा दरबार खाली पे आया मैं दुकानदार जा लगन दिया सी इत्थे बैठ के बादशाह सलामत आप हम पे शक कर रही है मलके आलिया मैंने अपनी आंखों से आपके काले करतूत पकड़े हैं आपकी आंखों का धोखा है या किसी की बददुआ है धोखा नहीं होता धोखा होता है पहले तो मैंने अपना मुंडा समझ मेरी उर्दू ठीक करा ला 50 साल के दौरे हुकूमत में 49 साल तो आपने इस इश्क मोहब्बत में जाया कर दिए तुम्हें सुरैया के हालात का नहीं पता हम तो उसके दुखड़े फूल रहे थे बादशाह सलामत ये आप क्या चवले मार रहे हैं उससे पूछ रहे थे उसके घर में खाने को नहीं पीने को नहीं अगर हमने उससे ये पूछ लिया कि सुरैया क्या तुम्हें कुछ चाहिए अगर उसने बता दिया तो उसमें कौन सी बात है अपना नाचापन बंद कीजिए बादशाह सलामत यू आर अ कार्टून नेटवर्क एक्चुअली आपको कार्टून बुला रही है आपको कैसा लग रहा है मैंने सुना ही नहीं है बादशाह सलामत आप मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं ठीक है मैं ये सल्तनत छोड़ के जा रहा हूँ आपको मुबारक हो पहले भी मेरे थे कोई इज्जत नहीं ये घर मेरा गुलशन गुलशन का खुदा हाफिज खुदा हमें लगता है हमने कोई गलत ख्याल देख लिया आपके बारे में बादशाह सलामत क्या बात है जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ कीजिए लोग आपके बारे में सही कहते थे उनकी कह रहे हैं आपका मुंह वाकई बहुत बड़ा है सलमीन मलकालिया आपके नजदीक हम आ जाए हैं मुंह तो हमारा जब हम पैदा हुए थे उस वक्त भी बहुत बड़ा था आप आइए प्लीज विराजमान हो जाइए अपनी नशिस्त पे मलके आली आपने फिर इनको माफ कर दिया तो वो अल्लाह ही बचांदा तिली लाने लोग तो मुड़दे ही नहीं गए मलके आलिया जी बादशाह आपने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं आपके लिए थड़ी बनाई है मैंने थड़ी और पता है कितना फार्मिका लगा है कितना पूरे 250 का लगा है बादशाह सलामत एक बात पूछूं पूछे खुद आप इतने फरबा हैं और आपके ये जो दरबान है ये तो कहत ज्यादा लग रहे हैं बेचारे आप इनको खाना नहीं देते या सारा खुद खा जाते हैं आपने पहली दफा हमारी इज्जत की है फरबा कह के आप इतने फरबा हैं बादशाह सलामत फरबा नहीं फरबा यानी आप मोटे हो गए हैं इतने भी नहीं हुए वेस्ट हमारी 45 है ये कोई मोटा नहीं होता हेल्दी होता है अच्छा बादशाह अकबर के ज़माने में एक ख़ास तरह का त्यौहार हुआ करता था जिसमें बादशाह अकबर को अनाज के साथ तोला जाता था अगर बादशाह अकबर का वज़न अनाज से ज़्यादा होता तो वो जो अनाज था गरीबों में बांट दिया जाता और अगर कम होता तो इसका मतलब होता कि बादशाह सलामत कमज़ोर हो गए फिर ख़ास दुआओं का अहतमाम किया जाता
तो वो रिवायत अभी भी कायम है या सल्तनत के हालात अब अच्छे नहीं है? वो रिवायत नु खत्म होया मेरे ख्याल 8 महीने हो गए ने। क्यों? अनाज ही कोई नहीं, मैं कल कंडे ते बैठा रहना कि नहीं देर।